हिलसा अधिवक्ता संघ कैंपस में जमकर चली लात घुसा। एक पुरुष से दो गोतनी करना चाहती थी शादी। दरअसल बता दें कि गुरुवार को हिलसा अधिवक्ता संघ कैंपस में जब दो गोतनी एक ही पुरुष से शादी करना चाहते थे, जिसको लेकर जब आपस में बहसा बसी होने शुरू हो गया तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गया और देखते ही देखते इन दोनों में इतना बहसा बसी हुआ कि हाथापाई तक की नौबत आ गया और लात घुसा चलना शुरू हो गया। बता दें कि यह पूरा मामला हिलसा थाना क्षेत्र के मलामा गांव से जुड़ा हुआ है। मलामा गांव निवासी महेंद्र पासवान के तीन पुत्र हैं, सुबोध कुमार मैनेजर पासवान एवं हीरेंद्र पासवान। महेंद्र पासवान ने बड़े बेटे सुबोध कुमार एवं मंझले बेटे मैनेजर पासवान को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी तो करा दिया, जबकि तीसरा बेटा हीरेंद्र पासवान को पढ़ाई लिखाई के चलते अभी तक वह शादी नहीं हुआ था। पारिवारिक जीवन बड़े अच्छे के साथ चल रहा था कि बड़े पुत्र सुबोध कुमार को तीन संतान कृष्णा एवं विकास के रूप में जन्म लिया, जबकि महिले बेटे मैनेजर पासवान को तीन संतान प्राप्त हुआ, जो कि 5 वर्षीय प्रियांशु, 3 वर्षीय अंजलि एवं 1.5 साल का प्रिया कुमारी है। बता दें कि बीते 3 माह पूर्व महिले बेटे मैनेजर पासवान की लंबे दिन से बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई और उसकी पत्नी हेमंती देवी विधवा हो गई और विधवा के रूप में रहने लगी। तब हेमंती देवी के मायके वालों ने पहल किया और महेंद्र पासवान के छोटे बेटे हीरेंद्र पासवान के साथ शादी के लिए वार्तालाप किया। उसके बाद हिलसा अधिवक्ता संघ कैंपस में गुरुवार को जैसे ही पहुंचे कि बड़े बेटे की पत्नी मालो देवी भी पहुंच गई और वह भी देवर से शादी करने के लिए हट करने लगी। इस विवाद में भाषा भाषी होने लगा कि बड़े बेटे के पत्नी और मृतक महिले बेटे के पत्नी दोनों देवर से शादी करने लगा, यानी एक पुरुष से दो गोतनी आपस में शादी करने के लिए भाषा भाषी करने लगे कि मैं शादी करूंगा और वो कहती मैं शादी करूंगा। इस बीच हिलसा थाना की पुलिस आई और सुबोध कुमार एवं उसके पत्नी व बच्चे को हिलसा थाना पूछताछ के लिए ले गई। इधर गोंदूबिघा पंचायत के मुखिया पति बिंदु कुमार एवं चंडी थाना क्षेत्र के लक्ष्मी बिघा के समाज सेवी महिला कांति देवी ने पहल किया और इस मामले को बढ़ चढ़कर शांत कराया। हिलसा अधिवक्ता संघ के पास शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंझले भाई के पत्नी जो विधवा थी उसे छोटे भाई हीरेंद्र पासवान के साथ शादी करा दिया। मंदिर में उसने विधवा भाभी के मांग में सिंदूर डाला। उसके बाद हिलसा अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता राम उदेश प्रसाद यादव के द्वारा नोटरी राम सागर प्रसाद के द्वारा शादी कराई गई। नाम है आपका? देवंती देवी। देवंती देवी? हेमंती देवी। हेमंती देवी, घर कहाँ है? घर मलाम। अच्छा, क्या मामला बताइए? आपका पति डेथ कर गया है? कैसे? तबीयत खराब। कितना साल पहले? 2-3 महीने। अच्छा, आपके पति 3 भाई हैं? हाँ। अच्छा, आप मांझिल हैं? आपसे छोटा एक देवर है? देव? अच्छा, चलिए ये बताइए कि बड़ा का शादी हुआ, बाल बच्चा भी है ना बड़का देवर का? हाँ। तो आप शादी करना चाहते हैं देवर से? हाँ। हाँ, बड़ी वाली भी चाह करना चाह रही है? हाँ। उसका जबकि बाल बच्चा है 15-16 साल का? क्या नाम हुआ आपका? कांति देवी। बताइए, हिलसा अधिवक्ता संघ कैंपस में आए हुए, क्या मामला हुआ था? वो लड़का लड़के कोर्ट ने था, जो उन्होंने झगड़ा झगड़ा कर रहा था। वो विधवा था और उसका मर्दाना था और कहे कि ना हम करेंगे शादी और वो कहे हम करेंगे शादी, तो यही मामला देख के हम शादी करा दिए। विधवा महिला को शादी करवा दिए? हाँ। लड़ने वाला वो भी गोतनिए थे? गोतनिए थे।
कराए हैं विधवा के, तो शादी करवा दी है। हाँ, उसको मर्दाना ही है, तो कैसे वो शादी करेगा? थाना ले गई है पूछताछ के लिए। हाँ, पूछताछ के लिए थाना ने फोन किए हैं कि सर देखिए ना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पुलिस भेज दीजिए। थाना महोदय के फोन किए हैं कि हाँ आइए सर, जैसे मामला हो रहा ना भर आएगा, भेज दीजिए। तो भेज दिए, थाना प्रभारी आए हैं, उनको जो जिसको मर्दाना था उसको लेके चल गई है, जो विधवा है उससे शादी करा दिए। क्या नाम हुआ सर? राम प्रदेश का नाम। क्या मामला था? मामला तो आपस में था, कोई बात का था नहीं। सुनते हैं कि आप ही के कोई परिवार के थे जिसे पुनः विवाह करवाया है। वो भगनी हमारा भगनी है, उसका देवर से शादी करवा दिए हैं। देश प्रसाद मिलसा कोट अध्यक्षता साहब, मैं वकील हूँ। आज कोर्ट परिसर में एक विधवा का पुनः विवाह करवाया हूँ। वह अपने देवर से उनके शादी करवाया हूँ, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, आज उनका मैं शादी करवाया हूँ।